तो लीजिए फ्रेंड्स, ये बिना तेल का हमारा टेस्टी और हेल्दी पोहा बनके तैयार है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल वैष्णो फैमिली में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई रेसिपी जो बन रही है बिना तेल के। तो बिना तेल का पोहा कैसे बनाया जाता है, आइए देखते हैं। लीजिए, कर लेते हैं अपनी गैस ऑन, रख लेते हैं इसमें अपना कढ़ाई, इसे गर्म कर देते हैं। आज की हमारी रेसिपी है बिना ऑयल का पोहा। तो बिना तेल के पोहा कैसे बनाते हैं, इसके लिए हम अपने पैन में डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। लीजिए, अब जीरे को अच्छे से भून लेते हैं। जीरा भून गया है, इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है। लीजिए, अब डालते हैं इसमें बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को जीरे के साथ अच्छे से भून लेते हैं। आइए, अब डालते हैं इसमें 1 चम्मच पानी। लीजिए, हमारा प्याज भून गया है। अब डालते हैं इसमें अपने मसाले। इसमें 1 पिंच हल्दी, लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा धनिया पाउडर और गरम मसाला। इन्हें अच्छे से मिक्स करके आइए अब इनमें डाल देते हैं टमाटर। टमाटर डल गया है, आइए अब डालते हैं इसमें नमक। टमाटर में नमक डाल दिया है जिससे टमाटर अच्छे से गल जाए। तो आइए, टमाटर को गलाने के लिए इसमें डालते हैं 2 चम्मच पानी। इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच पानी। तो लीजिए, हमारा मसाला बनके तैयार है। अब इसमें डाल देते हैं पहले से सोक किया हुआ पोहा। तो अब डालते हैं इसमें अपना पोहा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम इसमें अपना पोहा ट्रांसफर कर देते हैं, इसे हमने पहले से धो के ले लिया है। अब पोहे में टमाटर प्याज को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये बिना तेल का हमारा टेस्टी और हेल्दी पोहा बनके तैयार है। तो आइए, करते हैं अब इसे खाने के लिए सर्व। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी बिना तेल के पोहे की रेसिपी बनके तैयार है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।